श्रीवास्तव, ये हर कोई जानता है कि राजनीतिक विरोध कितना भी हो लेकिन राजनीतिक मुद्दों को निजी जिंदगी में पीएम नरेंद्र मोदी कभी नहीं लाते, और ऐसा कई बार देखने को भी मिला है और यही एक बार फिर से देखने को मिला है। बता दें, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी उनका हालचाल ले रहे हैं। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लालू यादव की तबीयत के बारे में जानने के लिए उन्हें कॉल किया है। बता दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालचाल लेने के लिए फोन किया। बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को फोन कर लालू प्रसाद यादव की हेल्थ का अपडेट लिया। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने बातें भी कही हैं। आप सुनिए क्या कुछ कहना है तेजस्वी यादव का। हर कोई नेता ने, चाहे पक्षी पक्ष के लोग हो, सत्ता दल के हो या विपक्ष के हो, सभी लोगों ने फोन करके हमसे हालचाल जाना। कल प्रधानमंत्री जी का भी फोन आया था, और जब से एडमिशन हुआ है अस्पताल में तब से मुख्यमंत्री जी लगातार फॉलोअप भी लोग सभी मंत्री से लेकर के राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, उनसे भी हमारी बात हुई है। उन लोगों ने भी चिंता जताई है और वो सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लालू जी स्वस्थ हो। आपको ये भी बता दें, ये वीडियो राजद के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है, जहाँ लिखा गया है, पक्ष या विपक्ष सभी दलों के नेताओं ने लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राहुल जी, प्रियंका जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सभी मंत्री ने फोन करके लालू जी का हालचाल जाना है। आपको भी बता दें, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, और वहीं उनसे मिलने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। वहीं लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले से उनकी तबीयत में बहुत सुधार है। उस समय ऐसा नीतीश कुमार का कहना था, उनकी तबीयत जिस दिन खराब हुई थी उस दिन भी हमने फोन किया था, आज हमने उन्हें देखा है और उनको कहा है कि अभी तो सुधार है लेकिन दिल्ली जाकर सभी चीजों का टेस्ट करवा लीजिएगा। और अभी लालू प्रसाद यादव दिल्ली में ही। वहीं नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी की थी, जिसकी तस्वीर भी उन्होंने शेयर की थी, जहां उन्होंने लिखा था, राजद प्रमुख श्री लालू प्रसाद यादव जी से पटना स्थित पारस अस्पताल में मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी। श्री लालू प्रसाद यादव जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना है। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव रविवार की शाम राबड़ी आवास में सीढ़ी से उतरने के वक्त गिर गए थे, इससे उनके कमर और कंधे में चोट आई थी। लालू यादव के दाएं कंधे में माइनट फ्रैक्चर बताया गया था, जिसके बाद उन्हें पटना के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद जब उनकी तबीयत और बिगड़ गई तो उन्हें पटना से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। वही खबर ये भी आ रही थी कि दवाई की ओवरडोज से उनकी हालत बिगड़ी है और साथ साथ उनका शरीर लॉक भी हो गया है, यानी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव ने इस सिलसिले में बताया था कि उनका पूरा चेकअप किया जाएगा, उसके बाद इलाज शुरू होगा, फिलहाल बॉडी में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तेजस्वी यादव ने बताया था कि लालू जी जब पटना में गिरे हैं तो उसके बाद तीन जगहों पर उनके शरीर में फ्रैक्चर आया है, उसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ गई। वहीं लालू यादव के चाहने वाले बहुत हैं, इसलिए उनके लिए लगातार दुआ भी की जा रही है, जहां पटना के मंदिर और मस्जिदों में उनके लिए दुआ मांगी जा रही है। चलिए अंत में आपको ये भी सुना देते हैं कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। सभी लोगों को प्रणाम। अभी हम लोग पारस अस्पताल में हैं, जहां गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद जी का इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। हम आप सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो लोग भी लालू जी के चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, और सभी लोग जो है दुआ कर रहे हैं कि लालू जी जल्द से जल्द जो है ठीक हों, उनसे यही अपील है कि अस्पताल ना आए, क्योंकि और लोगों को भी दिक्कत हो रही है, मरीजों को, और इन्फेक्शन होने का डर हो रहा है। तो चाहेंगे कि आप लोग जो है अपने जगह पे ही रहें और दुआ करें। धन्यवाद।